हाँ जी मेरे अजीज, हम बताऊँ कैसे आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि रिसेंटली अभी मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए हैं और हर सूबे के अंदर कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हो रहा है या अभी होना है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं कि सूबे सिंध के अंदर अब तक कौन कौन जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुका है और कब से कब तक रहा है। तो जी सूबे सिंध को जो है ना वो सूबे की हैसियत 1937 में हासिल हुई थी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम सबने बचपन के अंदर 9-10 के अंदर रट्टे लगाए थे कायदे आजम के 14 नुकात, और कायदे आजम के 14 नुकात के अंदर एक जो नुकता था वो आज तक सबको याद है, और वो ये था कि जी सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। जी हाँ, सिंध जो था वो बम्बई का हिस्सा था, और 1937 में कायदे आजम के इस नुकते को सीरियस लेते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिंध को एक अलग सूबे की हैसियत जो है ना वो दी थी। और उस वक्त 1937 को 28 अप्रैल 1937 को सिंध के पहले जो चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए थे वो थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला साहब, और इन्होंने 28 अप्रैल 1937 से लेकर 23 मार्च 1938 तक जो है ना वो चीफ मिनिस्टर सिंध की कुर्सी संभाली थी। और इनका ताल्लुक जो था मुस्लिम पीपल्स पार्टी से था। अच्छा जी, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना वो पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहे हैं, जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे जो चीफ मिनिस्टर सिंध के बने थे वो थे अल्लाह बख्श सूमरो साहब, और ये 23 मार्च 1938 को चीफ मिनिस्टर सिंध बने थे, और इन्होंने अपना ऑफिस छोड़ा था 18 अप्रैल 1940 को। इनका ताल्लुक जो था वो था इत्तेहाद पार्टी से। अच्छा जी, इसके बाद जो तीसरे चीफ मिनिस्टर सिंध मुकर्रर हुए थे वो उनका नाम था मीर बंदे अली खान सालपुर। इन्होंने 18 अप्रैल 1940 को जो है ना वो कुर्सी संभाली थी चीफ मिनिस्टर सिंध की, और ये मुकर्रर रहे थे 7 मार्च 1941 तक। अच्छा, इनका ताल्लुक था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान बनने से पहले की मुस्लिम लीग थी ना कायदे आज़म वाली, उनसे ताल्लुक था इनका। अच्छा जी, तो मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान बनने से पहले से ही जो है ना बारियों का सिलसिला शुरू है, और जो अल्लाह बख्श सूमरो साहब थे वो दूसरी बार मुकर्रर हुए चीफ मिनिस्टर सिंध 7 मार्च 1941 को, और ये इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी 14 अक्टूबर 1942 को, और इनका ताल्लुक उसी तरह इत्तेहाद पार्टी से था। अच्छा जी, फिर एक बार फिर गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला साहब दूसरी बार चीफ मिनिस्टर सिंध मुकर्रर हुए 14 अक्टूबर 1942 को, और इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी 14 अगस्त 1947 को, और इनका ताल्लुक मुस्लिम पीपल्स पार्टी से था। और इनकी कुर्सी और इनका दौर जो है इस वक्त इसलिए ख़त्म हुआ कि आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है ना वो वजूद में आ गया था। अच्छा जी, पाकिस्तान बनने के बाद की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर सिंध मुकर्रर हुए उनका नाम था मोहम्मद अयूब खोड़ो साहब, और इन्होंने 16 अगस्त 1947 को चीफ मिनिस्टर सिंध की कुर्सी संभाली, और ये 28 अप्रैल 1948 तक चीफ मिनिस्टर सिंध रहे, और इनका ताल्लुक मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। अच्छा, उससे पहले देखें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद जो दूसरे चीफ मिनिस्टर सिंध थे वो थे पीर इलाही बख्श साहब, और पीर इलाही बख्श साहब वही हैं जिनके नाम के ऊपर कराची के अंदर एक इलाका भी है, PIB कॉलोनी। वो PIB से मुराद पीर इलाही बख्श ही है। अच्छा जी, उन्होंने 3 मार्च 1948 को अपना ऑफिस संभाला, और 4 फरवरी 1949 तक वो सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। अच्छा जी, उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर सिंध मुकर्रर हुए यूसुफ हारून साहब, जिन्होंने 18 अप्रैल 1949 को चीफ मिनिस्टर सिंध की कुर्सी संभाली, और ये मुकर्रर रहे चीफ मिनिस्टर सिंध 7 मई 1950 तक, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। अच्छा जी, उसके बाद फिर काजी फजलुल्ला साहब आए, और इन्होंने 8 मई 1950 को चीफ मिनिस्टर सिंध की कुर्सी संभाली, और ये 24 मार्च 1951 तक चीफ मिनिस्टर सिंध रहे, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। अच्छा जी, फिर दूसरी बार मोहम्मद अयूब खोड़ो साहब आए, और उन्होंने 25 मार्च 1951 को चीफ मिनिस्टर सिंध की कुर्सी संभाली, और ये मुकर्रर रहे 29 दिसंबर 1951 तक, और इनका ताल्लुक भी वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। अच्छा जी, उसके बाद फिर दौर शुरू होता है गवर्नर राज का, और 1951 में पाकिस्तान में सिंध के अंदर सॉरी गवर्नर राज लग जाता है, और ये कायम रहता है 22 मई 1953 तक। अच्छा जी, उसके बाद फिर बारी आती है पीरजादा अब्दुल सत्तार साहब की, जो कि 22 मई 1953 को चीफ मिनिस्टर सिंध की कुर्सी संभालते हैं, और ये रहते हैं जी 8
नवंबर 1954 तक, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। अच्छा जी, ज़बरदस्त किस्मत पाई फिर मोहम्मद अयूब घोड़ो साहब ने, जो कि तीसरी बार चीफ मिनिस्टर सिंध बने, और वो 9 नवंबर 1954 को चीफ मिनिस्टर सिंध बने और 13 अक्टूबर 1955 तक ये चीफ मिनिस्टर सिंध रहे, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। अच्छा जी, आप ये देख लें, अभी ये साल साल डेढ़ डेढ़ दो दो साल के लिए ये सारे जो है ना चीफ मिनिस्टर सिंध बन रहे हैं, तो जब इतने अरसे के लिए इंसान कोई कुर्सी संभालेगा तो क्या खाक काम करेगा। इसी वजह से तो हमारे मुल्क का ये हाल है, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा जी, उसके बाद जो है 13 अक्टूबर 1955 को वन यूनिट बना दी गई पाकिस्तान में, और जो कि कायम रहा 30 जून 1970 तक। जब वन यूनिट था तो जाहिर है कि सूबा ही कोई नहीं था, तो इसलिए बस वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान दो हिस्से बना दिए गए थे, तो जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर सिंध की कुर्सी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर 1970 में अयूब खान साहब ने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया, और ये लगा जुलाई 1 जुलाई 1970 को, और ये कायम रहा 1 मई 1972 तक, तो मार्शल लॉ। उसके बाद फिर दौर शुरू होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके कज़न मुमताज़ अली भुट्टो, जो पहली बार जो है वो सिंध के चीफ मिनिस्टर बने 1 मई 1972 को, और ये चीफ मिनिस्टर सिंध रहे 20 दिसंबर 1973 तक, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। उसके बाद फिर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब आए, जिन्होंने 25 दिसंबर 1973 को चीफ मिनिस्टर सिंध बने, और ये चीफ मिनिस्टर सिंध रहे 5 जुलाई 1974 तक, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। और एक बार फिर उसके बाद हमारे यहाँ जिया साहब आ गए, और उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया मुल्क के अंदर, और 5 जुलाई 1977 को दोबारा मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा, जो कि 6 अप्रैल 1985 तक कायम रहा। और उसके बाद दोबारा गौस अली शाह साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था, उन्होंने 1985 के अंदर 6 अप्रैल 1985 में दोबारा चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी संभाली, और वो 6 अप्रैल और 1988 तक मुकम्मल 3 साल के लिए वो पाकिस्तान के सूबे सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद फिर बारी आ गई थी अख्तर अली गुलाम काजी साहब की, जो कि 11 अप्रैल 1988 को चीफ मिनिस्टर सिंध मुकर्रर हुए, और वो 24 जून 1988 तक जो है वो चीफ मिनिस्टर सिंध रहे, और इनका ताल्लुक जो था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से था। उसके बाद फिर जो है वो सिंध के अंदर गवर्नर रूल लगा दिया गया, जो कि 24 जून 1988 को लगा, और 31 अगस्त 1988 तक, यानी कि तकरीबन 3 महीने के करीब कायम रहा। और फिर दोबारा अख्तर अली गुलाम काजी साहब को 31 अगस्त 1988 को चीफ मिनिस्टर सिंध बना दिया गया, और वो 2 3 महीने के लिए दोबारा चीफ मिनिस्टर सिंध बने, और 2 दिसंबर 1988 तक वो कायम रहे, और उनका ताल्लुक उसी तरह इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से था। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह बारी आई साईं कायम अली शाह साहब की, जो कि पहली बार सिंध के चीफ मिनिस्टर बने 2 दिसंबर 1988 को, आज से 35 साल पहले, और वो कायम रहे 25 फरवरी 1990 तक, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। और उसके बाद फिर आफताब शाबान मीरानी साहब को सिंध का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जिनका जो कि 25 फरवरी 1990 को चीफ मिनिस्टर सिंध बने, और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी 6 अगस्त 1990 को, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। अच्छा जी, उसके बाद फिर बारी आती है जाम सादिक अली साहब की, जो कि 6 अगस्त 1990 को सिंध के चीफ मिनिस्टर बने, और 5 मार्च 1992 तक सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे, और इनका ताल्लुक था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से। अच्छा जी, जाम सादिक अली साहब वही हैं जिनके नाम के ऊपर एक कराची के अंदर कोरंगी करीब ब्रिज भी है, जाम सादिक पुर। अच्छा जी, फिर बारी है मुजफ्फर हुसैन शाह साहब की, उसके बाद तो फिर हम ज़्यादा शाह साहब ही नज़र आ रहे हैं आगे। मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने 6 मार्च 1992 को सिंध के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली, और 19 जुलाई 2093 तक ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पार्टी के चीफ मिनिस्टर सिंध रहे। और उसके बाद फिर बारी आ गई सैयद अब्दुल्ला अली शाह, जो कि
अक्टूबर 1993 को चीफ मिनिस्टर सिंध बने और वो 6 नवंबर 1996 तक सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे और इनका ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि ये कौन थे? सैयद अब्दुल्ला अली शाह साहब जी, ये हमारे मुल्क के जो मौजूदा सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, उनके वालिद साहब थे। तो देखें, पहले वालिद साहब तो चीफ मिनिस्टर रहे और अब जो है वो मुराद अली शाह साहब उनके साहबजादे। अच्छा जी, फिर बारी आई मुमताज भुट्टो साहब की दूसरी बार, और 7 नवंबर 1996 को वो सिंध के चीफ मिनिस्टर बने और 22 फरवरी 1997 तक वो सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे। अच्छा जी, उसके बाद किस्मत खुली लियाकत अली जतोई साहब की, और लियाकत अली जतोई ने 22 फरवरी 1997 को चीफ मिनिस्टर सिंध की कुर्सी संभाली और वो 30 अक्टूबर 1998 तक सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे और उनका ताल्लुक था पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। और एक बार फिर 30 अक्टूबर 1998 को गवर्नर रूल लगा दिया गया सिंध के अंदर, जो कि 17 दिसंबर 2002 तक कायम रहा। और उसके बाद मुशर्रफ की टेक ओवर करने के बाद पहली बार इलेक्शन हुए तो अली मोहम्मद महर साहब को 17 दिसंबर 2002 को चीफ मिनिस्टर सिंध लगाया गया, जो कि 9 जून 2004 तक सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे और इनका ताल्लुक था पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के साथ। अच्छा जी, उसके बाद फिर बारी आई अरबाब गुलाम रहीम साहब की, जो कि 9 जून 2004 को सिंध के चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए और 19 नवंबर 2007 तक सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे और इनका ताल्लुक भी था पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ। अच्छा जी, फिर बारी आती है साईं कायम अली शाह साहब की, जिन्होंने 6 अप्रैल 2008 को दूसरी बार सिंध के चीफ मिनिस्टर का अहदा संभाला और वो 21 मार्च 2013 तक सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे। और आपको पता ही है इनका ताल्लुक था पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा जी, उसके बाद फिर बारी आती है दोबारा साईं कायम अली शाह साहब की, जो कि तीसरी बार सिंध के चीफ मिनिस्टर बने और ये 30 मई 1913 को चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी 25 जुलाई 2016 को और इनका ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और फिर बारी आई साईं मुराद अली शाह साहब की, जो कि पहली बार सिंध के चीफ मिनिस्टर बने 29 जुलाई 2016 को और ये कायम रहे 28 मई 2018 तक और इनका ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा जी, उसके बाद साईं मुराद अली शाह साहब दूसरी बार सिंध के चीफ मिनिस्टर बने 18 अगस्त 2018 को और ये 17 अगस्त 2023 तक सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे दूसरी बार और उनका ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और इसी तरह अब तीसरी बार साईं मुराद अली शाह 26 फरवरी 2024 को सिंध के चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए हैं और ये देखें अब कब तक होते हैं और इनका ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो ये सारा 88 साल का दौर था जिसके अंदर हमने आपको बताया कि कौन कौन सिंध के चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ इसमें जो है ना कमी लगी है, और बाकी लोगों से शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।